morning to all. Welcome to my channel ATSI Institute. I hope all you are fine. आज का जो हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न. इनकम टैक्स रिटर्न होती क्या है, हमें कौन से रिटर्न फाइल करनी चाहिए अपनी, ये जानना बहुत जरूरी है. जैसा आप सब लोग जानते हैं कि रिटर्न फाइल करना बहुत ही जरूरी होता है हमें इनकम टैक्स की, बट ये ज्यादा उससे इम्पोर्टेंट है कि हम कौन सी रिटर्न फाइल करें. कई बार क्या होता है, जो हमारे क्लाइंट होते हैं वो खुद या किसी के थ्रू अगर रिटर्न फाइल कराते हैं और वो क्या करते हैं, गलत रिटर्न फाइल कर देते, तो आगे से उनको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ जाता है. तो इससे क्या होता है, उनको कई प्रॉब्लम्स हो जाती है. तो इसके लिए हमें प्रॉपर समझना जरूरी है कि कौन से रिटर्न को हमें फाइल करना चाहिए. सबसे पहला हम ये समझते हैं कि ITR होती क्या है. इनकम टैक्स रिटर्न, इट इज अ फॉर्म इन विच द टैक्स पेयर फाइल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम अर्न एंड टैक्स एप्लीकेबल टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. मतलब जो भी आपने प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न की है, गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, या जो आपके डिडक्शन एप्लीकेबल है उसके लिए जो आपने एक्सपेंस किए, उसकी डिटेल आप क्या करते हैं, ITR के थ्रू क्या करते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं. इसके बाद ये देखा जाता है कि अगर आप टैक्स पेबल है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, या आपने अगर एक्सिस पे कर दिया तो आपका टैक्स रिफंड हो जाएगा. तो इसके लिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने अलग अलग नोटिफाइड रिटर्न फॉर्म बनाए हुए हैं. तो उसमें हमारा सबसे पहला जो फॉर्म होता है वो होता है हमारा ITR 1. ITR 1 फाइल करने के लिए आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी. इसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि आप इंडियन रेजिडेंट हो. इंडियन रेजिडेंट के अलावा आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो या तो सैलरी से हो या पेंशन से हो. पेंशन का मतलब जो रिटायर्ड पर्सन को पेंशन मिलती है उसकी बात हो रही है. दूसरा जो पॉइंट है, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी से हो बट ओनली वन हाउस, एक घर का होना जरूरी है. अगर एक से ज्यादा घर है तो आप ITR 1 की जगह क्या फाइल करेंगे, ITR 2. इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इनकम हो सकती है एक्सक्लूडिंग कैजुअल इनकम. कैजुअल इनकम का मतलब है जैसे कोई लॉटरी मिल रही है आपको, या हॉर्स रेसेस, या कहीं और से आप अचानक कोई इनकम अर्न कर रहे हैं, तो वो अगर इनकम है तो आप ITR 1 की जगह क्या फाइल करेंगे, ITR 2. दूसरा जो पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर इनकम, आपकी एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 होनी चाहिए, मतलब बिलो 5000. और नेक्स्ट है हमारी टोटल इनकम जो है हमारी बिलो 50 लाख होनी चाहिए. 50 लाख से अगर ऊपर इनकम होती है तो हम ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट है नो कैपिटल गेन, कोई भी कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म. डज नॉट ओन एनी फॉरेन एसेट्स, फॉरेन एसेट्स आपके पास नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो सकते, या नॉट होल्डिंग अनलिस्टेड इक्विटी शेयर. अगर आप इन कंडीशन को फुलफिल करते तो आप ITR 1 फाइल करते, और अगर नहीं करते और आप सैलरीड पर्सन है तो आपके पास ऑप्शन है ITR 2 का. ITR 2 जो है हमारी इंडिविजुअल HUF के लिए, जो हमारा असेसमेंट ईयर है 1920, उसके अनुसार अगर आपकी इनकम जो है 50 लाख से अबव हो रही है तो आप एलिजिबल है ITR 2 के लिए. कहां से इनकम अर्न होगी, फर्स्ट पॉइंट हमारा सैलरी या पेंशन से. सेकेंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में मोर देन वन हाउस. जो हमने ITR 1 में देखा था, अगर आपका एक ही हाउस है तो उस केस में आप ITR 1 फाइल करते हैं, अगर मोर देन वन हाउस है तो ITR 2. इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लॉटरी या जो अदर कैजुअल इनकम है उनको भी इंक्लूड किया जाता है, या आपकी कोई कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन से आपकी इनकम हो रही तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है. अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं, जो हम ITR 1 में नहीं कर सकते. ITR 1 जो है इंडियन रेजिडेंट के लिए थी, इसमें क्या है ITR 2 में इंडियन रेजिडेंट के अलावा नॉन रेजिडेंट भी फाइल कर सकते हैं. और हमारी इनकम अगर एग्रीकल्चर की इनकम 5000 से अबव है तो हमारे पास ऑप्शन है ITR 2 फाइल करने के लिए. और इसके अलावा अगर आपके पास कोई फॉरेन एसेट्स या फॉरेन इनकम है तो भी आप क्या फाइल कर सकते हैं, ITR 2. तो आपके पास जो हेड है सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन, एक्सेप्ट PGBP, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन.
अगर आप बिजनेस है आपका या कोई प्रोफेशन है तो आपके लिए ITR 3 या 4 है। तो ITR 1 और 2 जो है हमारी किसके लिए, मेनली जो सैलरीड पर्सन है या जो रेंट से इनकम अर्न कर रहे। ITR 3 जो है हमारी अवेलेबल है इंडिविजुअल और HUF के हु आर रनिंग ए बिजनेस और अर्निंग फ्रॉम ए प्रोफेशन। मतलब ये है कि आप अगर किसी बिजनेस या प्रोफेशन से अर्न कर रहे हैं तो आप ITR 3 ही आपको फाइल करनी पड़ेगी या ITR 4। तो पहले हम समझते हैं ITR 3 जो है उसमें आपके कौन कौन से हेड आते हैं इनकम के। देखिए, आप सैलरी से अर्न कर रहे हो या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेज, ये तीनों हेड जो है हमारे किसके अंदर आते हैं, ITR 3। इसके अलावा जो मेन ITR 3 हमारी वो है बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम अर्न हो रही है तो आप ITR 3 या 4 के लिए एलिजिबल है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं भी आपको बताता हूं। पहले जो है ये हम समझ लेते हैं कि ITR 3 जो है वो और कौन फाइल कर सकता है। अगर आप किसी कंपनी के इंडिविजुअल डायरेक्टर है या आपने इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, और इनकम ऑफ ए पर्सन एज ए पार्टनर इन द फर्म, आपके पार्टनरशिप के थ्रू क्या है अगर कोई इनकम हो रही है तो वो भी आप ITR 3 के थ्रू फाइल कर सकते हैं। तो ITR 3 और 4 जो है लगभग सेम है, मगर ITR 3 में आपको प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखना होता है, इसके अलावा आपको अपनी ऑडिटिंग करानी होती है। बट कई हमारे जो स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं या स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं उनको प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए एक ऑप्शन दिया गया है कि वो ITR 3 की जगह ITR 4 फाइल कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है कि आपका टर्नओवर जो है बिलो 2 CR होना चाहिए, 2 करोड़ से कम क्या होना चाहिए आपका टर्नओवर होना चाहिए तो ही आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर होता है तो आप क्या करेंगे, ITR 3 फाइल करेंगे। और आपकी जो टोटल इनकम है up to 50 lakh होनी चाहिए, 50 लाख से कम होनी चाहिए। इनकम अर्न आप सेम उन्हीं सोर्सेस से कर सकते जो हमारे 5 हेड है। आप इनकम सैलरी से कीजिए, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया, इसके अलावा अदर सोर्सेस हो गया, मगर इसमें कैपिटल गेन इंक्लूड नहीं होता ITR 4 में। दूसरा जो मेन पॉइंट है हमारा, इसमें प्रिज्यूमेटिव इनकम स्कीम जो होती है उसका यूज करते हैं हम। इसमें जो हमारे ऑप्शन दिए गए सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA एंड सेक्शन 44AD ऑफ द इनकम एक्ट, ये जो 3 सेक्शन है इनका हम यूज करके अपनी इनकम को बिना अकाउंटिंग के प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए क्या कर सकते, शो कर सकते। जो हमारा सेक्शन 44AD होता है वो होता है हमारे बिजनेस के लिए, 44ADA होता है प्रोफेशन के लिए, और सेक्शन 44AE होता है हमारा ट्रांसपोर्टर के लिए। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको वीडियो बनाए हुए हैं, आप एक बार हमारे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए कि सेक्शन 44AD क्या होता है, 44ADA और 44AE क्या होता है। इसको जब हम डिटेल में तब समझेंगे जब हम इसकी रिटर्न ऑनलाइन फाइल करेंगे। ITR 4 का जो मेन पर्पज है वो हमारा स्मॉल जो हमारे बिजनेसमैन है उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए। बट अगर आपका टर्नओवर 2 CR से अबव जाता है तो आप ITR 4 नहीं फाइल कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी, जिसमें आपको अपना अकाउंटिंग का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा और ऑडिट रिपोर्ट देनी होगी। इसके अलावा अगर आपके इनकम 50 लाख से ऊपर हो गई या आपका मोर देन 1 हाउस है, प्रॉपर्टी है, तो आप क्या करेंगे, ITR 4 फाइल नहीं कर सकते, ITR 3 की तरफ आपको जाना पड़ेगा। और जो हमारे अगर आपके पास कोई फॉरेन एसेट्स है या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है, या जो हमने पॉइंट देखा था आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और उसके अनलिस्टेड इक्विटी शेयर परचेज किए प्रीवियस ईयर में, तो आप ITR 4 के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ITR है हमारी ITR 5, जो हमारी फर्म से रिलेटेड है, LLP या AOP या BOI, इसके अलावा जो हमारे AJP या आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन, स्टेट ऑफ डिकीज, स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट बिजनेस ट्रस्ट या इन्वेस्टमेंट फंड, इनके लिए हम क्या कौन सी ITR फाइल करते हैं, ITR 5। अब जो नेक्स्ट ITR है हमारी ITR 6, इनका जो है परफॉर्मर बहुत लंबा है, इसको हम प्रॉपर
एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें हम इसको समझेंगे। फिलहाल केवल हम ये समझ लेते हैं कि कौन सी आईटीआर कौन फाइल करता है। ITR 6 जो होती है हमारी, वो होती है कंपनीज के लिए, फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्प फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। कोई भी आपकी कंपनी है वो कौन सी आईटीआर फाइल करेगी? ITR 6। अगर वो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट या उस रिलीजियस पर्पस के लिए ओपन हुई है तो उनके लिए ऑप्शन है हमारा ITR 7। ITR 7 जो है वो हमारी कोई भी आपका ट्रस्ट है, एनजीओ है, या कोई यूनिवर्सिटी है, कोई हमारी न्यूज एजेंसी है, तो ये सब जो लोग होते हैं हमारे, वो कौन सी ITR फाइल करते हैं? हमारी ITR 7। तो आप मान के चलिए जो ITR 7 है हमारी, कोई एनजीओ ट्रस्ट हो गया या नॉन प्रॉफिट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके लिए क्या होती है? हमारी ITR 7 होती है। ये थी हमारी ITR 1 to ITR 7। आई होप आपको इजिली समझ आ गया होगा कि कौन सी रिटर्न किसके लिए एप्लीकेबल होती है, ताकि वो आगे जाके कोई दिक्कत ना करे। तो इसलिए आपको ये जरूरी समझना है कि हम कौन सी रिटर्न को हमें फाइल करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ITR 1 के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और ITR 1 कैसे फाइल की जाती है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए। जो हमारे न्यू यूजर है वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे मिलते रहे।